गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए बेटा, आप सभी लोग जानते हैं नरेशन की सीरीज़ चल रही इस समय, और आज मैं आप लोग को इंपरेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ। इंपरेटिव सेंटेंस में बताने में भी मैं सारा सेंटेंस एक साथ नहीं बता रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो जैसे आपने जो सिंपल सेंटेंस होते हैं इंपरेटिव में भी, जैसे ओपन द डोर, क्लोज दिस विंडो, इस टाइप के जो होते हैं उनको बनाने का जो तरीका था वो मैंने आपको कल पार्ट में बताया था। ओके, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर सेंटेंस में लेटस आ जाए, लेटस वाले वाक्य कैसे बनते हैं। कल मैं आपको बताऊँगा अगर लेट मी, लेट हर, इस टाइप के सेंटेंस आ जाए तब आप क्या करते हैं। सारा सब कुछ एक बार में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए और प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर लिखा है लेटस वाले वाक्य में आप क्या करते हैं बेटा, पार्ट सेकेंड इंपरेटिव सेंटेंस का लेटस वाले वाक्य में आपको अगर सेट और सेट टू दिखाई दे जाएगा तो आप उसको प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे। अगर आपको सेट दिखाई देगा तब भी आप प्रपोज्ड या सजेस्टेड में लिख सकते हैं, कोई दोनों में से कोई एक। सेट टू आ जाएगा तो आप लिख देंगे प्रपोज्ड टू, क्या लिख देंगे प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आप दैट का यूज़ करेंगे, और उसके आगे वी शुड वर्क की फर्स्ट फॉर्म या दे शुड वर्क की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। वी और दे आर चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जो वी और दे आएगा कि वी लगाएं या दे लगाएं, उसके लिए जो है आप जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है कि रवि सेड, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है लेटस प्ले अ मैच। जब आपको कभी भी लेटस करके दिखाई दे तो देखिए आप क्या करिएगा, रवि का रवि लिखिएगा, सेड का क्या कर दीजिएगा प्रपोज्ड लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे कोई सेट टू करके कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे टू लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा होता सेट टू मी तो आप लिखते रवि प्रपोज्ड टू मी, लेकिन यहाँ पे रवि सेट है तो आप लिखेंगे रवि प्रपोज्ड, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। इतनी बात समझ में आई, यही तो बताया था, दैट लगाएंगे। अब खेल आता है वी लिखें या दे लिखें, तो आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे कौन सा पर्सन। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन आया हुआ है तो आप यहाँ पे दे लिखेंगे, क्या लिखेंगे दे लिखेंगे। यही बात वो लिखिए कि वी और दे कैसे चेंज करेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ पर रवि आया है, रवि को मत देखिएगा, ये मत देखिएगा कि अरे रवि तो सिंगुलर है तो वहाँ दे क्या कर रहा है। देखिए पहली बात तो ये, जो लेटस वाले वाक्य होते हैं वो में क्या होता है, एक प्रपोजल रखा जाता है, एक सजेशन दिया जाता है। देखिए सेंटेंस को पढ़िए, देखिए क्या बोल कह रहा है, लेटस प्ले अ मैच, चलो मैच खेलें, यही तो कह रहा है ना। तो एक प्रपोजल है वो, एक सजेशन है वो, तो इसीलिए यहाँ पे आप सजेस्टेड या प्रपोज्ड का यूज़ करते हैं। तो जब किसी से प्रपोजल की बात करेंगे तो आप जाहिर सी बात है प्लूरल आपका हो ही जाएगा। तो यहाँ पे जो है थर्ड पर्सन अगर आएगा तो आप यहाँ पे ये बात को याद रखिएगा कि यहाँ पे दे लगाएंगे। अगर यहाँ पे आई या वी लिख के आ जाता है तो आप यहाँ पे क्या लिखते वी लिखते। ओके, अगर यहाँ आई लिख के आया होता, मान लीजिए आई लिख के आया होता तो यहाँ पे क्या लिखते आप वी लिखते। और यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन आ रहा है कोई भी तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे दे लिखेंगे। दे के बाद क्या लिखना है शुड लिखिए, शुड के बाद क्या लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। कौन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले, उसके बाद अ मैच, उतार दिया। आसान है कि ना है, आसान है ना, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस देख के ज़्यादा समझ में आता है। जैसे लिखा हुआ है कि हरी सेट टू हिज फ्रेंड लेट अस गो फॉर अ वॉक, चलो वॉक पे चलें। तो यहाँ पे देखिए हरी का हरी लिख दिए, सेट की जगह प्रपोज लिख दीजिए या सजेस्टेड लिख दीजिए, जो बन हो वो लिखिए। यहाँ पे टू है टू लिख दीजिए। यहाँ पे एक खेल नहीं होता कि लव सेट टू हटाए और खाली प्रपोज लगा दे, टू ना लगाएं। देखिए इस बात को समझिए, यहाँ पर जब तक टू नहीं है तभी आप ऐसा करेंगे इसमें। अगर टू आ रहा है तो टू आप यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा इसमें वो है ना, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे हिज फ्रेंड है, हिज फ्रेंड लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लिखेंगे। अब आगे दे लिखें कि वी लिखें, तो देखिए फिर यहाँ देखिए यहाँ कौन है, यहाँ पे देखिए फिर थर्ड पर्सन आया है, एक हरी है, तो यहाँ पे आप दे कर दीजिए। दे के बाद आपको क्या बताया गया था, दे के बाद शुड लिखा है, शुड लिखाइए। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म गो की गो हो गई, फॉर अ वॉक, तो गो आउट फॉर अ वॉक, ये पूरा उतार दिया गया। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, अगर लिखा हुआ है आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो, चलो चले, तो आई सेड टू माई फ्रेंड, आई का आई, सेड टू को सेड टू, सेड का चेंज हो जाएगा सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में, जो आपकी मर्जी उसमें करिए। टू का टू लिख दिया, माई फ्रेंड लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लिखा।
अब क्या लिखें, दे लिखें कि वी लिखें, यही तो खेल होता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहाँ कौन है, देखिए यहाँ आई आया है इसलिए यहाँ पे वी आएगा, यानी अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन आएगा तो यहाँ फर्स्ट पर्सन, यहाँ थर्ड पर्सन आएगा तो यहाँ थर्ड पर्सन, यानी कि दे। ओके, और कोई थर्ड पर्सन मत लगाइएगा। फिर यहाँ पे शुड लगाइएगा, ओके, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो फॉर्मूला है उसी पे आप लोग रहेंगे। आज हम लोग कुछ स्पेशल सेंटेंस एक देखेंगे कि अगर मान लीजिए सेंटेंस में किसी ने ये बोला है कि चलो चले, लेकिन उधर से जो रिप्लाई आया उसने कहा नहीं नहीं जाएंगे, तब क्या करें। अगर किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में लेट्स नॉट का यूज़ हो, किसका यूज़ हो, लेट्स नॉट का, तो उसकी जगह क्या किया जाता है, लेट्स नॉट की जगह पे क्या लिख दिया जाता है, लिख दिया जाता है ऑब्जेक्ट, या लिख दिया जाता है वॉज अगेंस्ट इट, उसका यूज़ किया जाता है। जैसे लिखा है सुरेश सेड लेट्स गो टू द जू, गीता सेड लेट्स नॉट, सुरेश ने कहा कि चलो जू चलें, गीता ने कहा नहीं जाएंगे, घर में रहेंगे। तो जो भी उसने भी कहा हो, सुरेश करेंगे, सजेस्टेड। अच्छा, यहाँ पे देखिए सुरेश किससे बोला है, गीता से बोला है, इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सुरेश सजेस्टेड टू गीता, यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे आप सजेस्टेड लिख दिए और आगे बढ़ जाए। सुरेश सजेस्टेड टू गीता, जब तक ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, दैट लगाइए, फिर यहाँ पे वी आएगा कि दे आएगा, तो इसको देखिए ये क्या है, सुरेश क्या है, ये आपका थर्ड पर्सन है इसलिए यहाँ पे दे आ जाएगा। दे के बाद शुड लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, देखिए गो फर्स्ट फॉर्म है, टू द जू, ये पूरा उतार दिया, ये वाला पूरा बना दिया हमने। उसके बाद लिखेंगे सुरेश ने मतलब सजेस्ट किया गीता को क्या करने के लिए, कि वे लोग कहाँ जाएँ, उन लोग को कहाँ चलना चाहिए, जू चलना चाहिए। लेकिन बट, अब देखिए यहाँ पे बट, इस तरीके से सेंटेंस को आपको जोड़ना होगा, पूरे सेंटेंस को एक बनाना है। अगर आप सेंटेंस को देखें, ऊपर वाले को देखें, तो यहाँ पर देखिए आके क्या हो गया, फुल स्टॉप हो गया। उसके बाद ये वाला देखिए, ये अलग है, तो दो अलग अलग सेंटेंस है। और नीचे वाला सेंटेंस देखिए कैसा है, कहीं फुल स्टॉप आ रहा है नहीं, केवल यहाँ आ रहा है। तो पूरे सेंटेंस को मैंने क्या कर रखा है, एक बना रखा है, इसलिए कंजंक्शन से आपको उसको जोड़ना पड़ेगा। सुरेश ने गीता को सजेस्ट किया जू चलने के लिए, लेकिन गीता ने क्या कर दिया, ऑब्जेक्टेड कर दिया, मना कर दिया, ठीक है ना। तो ये मैंने अभी बताया था कि ये लेट्स नॉट आ जाए, देखिए लेट्स नॉट आया, लेट्स नॉट आ जाए तो वहाँ पे आप ऑब्जेक्टेड या वॉज अगेंस्ट इट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे कि गीता वॉज अगेंस्ट इट, ये भी लिख सकते थे, और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टेड भी लिख सकते थे। ऑब्जेक्टेड किस लिए लिखा है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट है ना, तो थोड़ा सा बात पास्ट में जानी पड़ेगी। पास्ट कहाँ से पहचानेंगे, ये देखिए पास्ट है, सेड लिखा हुआ है। तो अगर लेट्स नॉट आता है तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्टेड कर देंगे। वैसे अभी तक ऐसा आया नहीं है सेंटेंस, लेकिन मैंने बता दिया, मैंने सोचा स्पेशल है, कुछ नया हो जाए आपके लिए, तो इस टाइप का सेंटेंस। तो ये आपने ऑब्जेक्ट सुना भी होगा मूवी में, जब कोर्ट में ऐसा बोला जाता है, आई ऑब्जेक्शन माई लॉर्ड, सुना है ना, तो वो ऑब्जेक्शन है भाई, ऑब्जेक्ट है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज वाला बहुत आसान था। केवल आपको यही ध्यान रखना था, प्रपोज सजेस्टेड लगाना था, टू आ जाएगा तो टू लगाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, वही दैट जो पहले लगाया करते थे, बीच में भूल गए थे, इफ वेदर लगने लगा था और ना जाने क्या क्या लगने लगा था, और जो है वी और दे लगाएंगे, वी दे कैसे लगाएंगे, आगे वाले सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे। शुड का यूज़ करना ही करना है, उससे कुछ होने वाला नहीं, और शुड के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसलिए वहीं लगेगी। आसान है, टफ नहीं है। ओके, बाय बाय।